हे hey गाइस तो चलिए आज बनाते हैं एक चटपटी सी रेसिपी बहुत ही इजी वाली तो बनाएंगे हम चटपटी चना चाट तो यहाँ पे एक चम्मच तेल गरम करना है उसमें जरा सा डालना है जीरा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए हरी मिर्च मैंने तीन चार हरी मिर्च डाली है दो उबले हुए आलू जिसको कि ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है वो डाल देंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे ना आलू को थोड़ा सा सौटे करेंगे उसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च अगर तीखा पसंद करते हैं तो लाल डालिए अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए वो थोड़ी कम तीखी होती है आधी छोटी चम्मच डाला है हमने यहाँ पे चाट मसाला अब क्या करेंगे इसको एक मिनट के लिए सोटे कर लेंगे ताकि जो आलू जैसे हमने बॉईल करके रखे ना उसमें एक फ्लेवर जो है वो चढ़ जाए मसालों का और बस उसके बाद हम डाल देंगे इसमें एक कप उबले हुए चने तो यहाँ पे ये यह जो चने हैं ना इसको हमने नमक डाल के पानी में उबाल लिया था यानी तीन सीटी लगाई थी और उसके बाद इसको निकाल लिया और इसको मैश करके देखिए अगर चने उबल चुके हैं तो फिर ये चने हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे और थोड़ा सा सौटे कर लेंगे चने और आलू दोनों को ताकि एक बढ़िया सा जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने उबालते समय भी डाला था तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया जो कलर है ना वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है अब बारी आती है अपनी मनपसंद कोई सी भी वेजीज जो आपको पसंद हो ना वो बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दीजिए तो मैंने यहां पे डाला है टमाटर खीरा और वैसे ना जो टमाटर डालेंगे तो उसका जो बीज है वो निकाल दीजिए उसको सब्जी में यूज़ कर दीजिए चाहे तो आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं धनिया डाल दीजिए फ्रेश कटा हुआ मैंने इस समय प्याज़ अवॉइड किया है लेकिन आप डाल के देखिए बहुत ही बढ़िया अगर उसी समय खा रहे हैं तो प्याज डाल दीजिए अगर अगर बाद में अगर उसको स्टोर करके कर रख रहे हैं तो आ, प्याज को अवॉइड कर दीजिए क्योंकि प्याज जो है ना वो स्मेल डाल देता है फिर गैस को बंद कर देंगे और आधा नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे नींबू का जो अ, मतलब फ्लेवर है वो इतना बढ़िया आता है कि चटपटी चाट वाला जो चटकारे हैं ना वो ज़रूर आ जाएंगे और उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है बस इसको करना है मिक्स और बस उसके बाद आपकी चटपटी चटोरी वाली चना चाट जो गाइज है वो बन के रेडी हो गई है अब बारी आती है इसको सर्व करने की तो किसी भी बाउल में या किसी प्लेट में आप इसको सर्व कीजिए और सर्व करने के बाद ऊपर से डाल देना धनिया थोड़ा सा नींबू और डाल दीजिए और साइड में ना लेमन ऐसे स्लाइस रख दीजिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और अपीलिंग लगता है बस गार्निश कीजिए हरे धनिया के साथ और एंजॉय कीजिए चना चाट तो होप का आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हर रोज बने रहिए मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग ईजी रेसिपीज के लिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग